हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर मिल्क, 4 टेबल स्पून चीनी और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें मिल्क डालेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मिल्क उबलने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मिल्क उबलने देंगे। मिल्क में जैसे ही उबाल आने लगे उस गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और उसमें चीनी डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे यहाँ पर। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे हम लो मीडियम पे 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे बीच बीच में इसी तरह चलाते रहेंगे। और इसे हम साइड साइड से भी स्क्रैच करते रहेंगे। इसे हम लगातार बीच बीच में चलाते हुए 12 से 15 मिनट तक टोटल पकाएंगे। मिल्क हमारा पहले से कम हो चुका है, हम इसे और 5 मिनट तक और पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और साइड साइड से इसके किनारों को भी स्क्रैच करते रहेंगे। मिल्क हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, इसे हम एक दो बार और चला लेंगे। कंडेंस मिल्क हमारा बनके तैयार है, तो हम यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसे एक एयरटाइट कंटेनर में या जार में निकाल लेंगे। हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।